नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दमदार आइडिया से मैं पीवी सरकार आपके सामने आज जो वीडियो लाया हूँ यह है एचटीपीपी और टीएसपी के बारे में। बहुत आदमी को पता नहीं है एचटीपीपी और टीएसपी डिटर्जेंट पाउडर में क्यों यूज किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। अगर आपके पास इससे अच्छा जानकारी है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। तो आपको एचटीपीपी का फुल नेम है सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट। तो ये सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। तो जैसे कि आपके डिटर्जेंट पाउडर में अच्छा क्लीनिंग हो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसके बाद आता है कि टीएसपी। टीएसपी तीन प्रकार का आता है। टीएसपी एक जो खाने के लिए भी यूज होता है, जैसे ब्रेड वगैरह बहुत सारे चीज़ में यूज किया जाता है, इसके लिए भी टीएसपी का यूज होता है। क्योंकि बहुत आदमी इंडिया में तो ये बैंड है, बाकी चोरी छुपे चलता ही है। दमदार आइडिया में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसका सबसे ज़्यादा निर्यात होता है गुजरात में। अगर आपको ये एचटीपीपी लेना है तो सबसे बढ़िया है आप गुजरात, सॉरी टीएसपी, अगर आप एचटीपीपी हो टीएसपी अगर आपको लेना है तो गुजरात में आप विजिट कीजिए, तो आपको बहुत सस्ते में और बहुत इजीली मिल जाएगा। तो ये टीएसपी का फुल फॉर्म है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। इसको डिटर्जेंट पाउडर में 5 से लेके 15% तक यूज किया जाता है। जनरली ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो खारे पानी है, जैसे नमक का पानी है, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। अगर मैं किसी को फॉर्मूला देता हूँ तो सबसे पहले मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपका पहले पानी का टेस्ट करवा लीजिए, उस हिसाब से मैं फॉर्मूला बना के दूंगा। उसमें कितना आपका टीएसपी डालना पड़ेगा उस हिसाब से मैं फॉर्मूला बना के देता हूँ। अगर आप भी कहीं से फॉर्मूला लेते हैं तो इस चीज़ का इंश्योर कीजिए कि उसमें कितना पानी में नमक पानी कितना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।